हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल करण वासन ब्लॉग्स। तो गाइस आ गया है वीकेंड और निकल पड़े हम घर से फिर एक नई डेस्टिनेशन पे, नए ब्लॉग की तलाश में, नए कंटेंट की तलाश में, नए लोगों से मिलने। तो जा रहे हैं आज हम सारे कहाँ पे? आगरा। आज हम जा रहे हैं आगरा, आन को देखना था ताजमहल, तो दिखाने जा रहे हैं आन को ताजमहल। करने वाले फुल ऑन फन, फुल ऑन मस्ती, दिखाएंगे आपको पूरी रोड ट्रिप की मस्ती और दिखाएंगे आपको ताजमहल भी आज, है ना? बिल्कुल। और कल भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ हम जा रहे हैं, कल भी एक जगह जा रहे हैं तो कल वो भी दिखाएंगे ब्लॉग में। तो बन रहे दो दिन फुल ऑन धमाल करने वाले, फुल ऑन मस्ती करने वाले, पूरा मजा आने वाले रोड ट्रिप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली के साथ तो वैसे ही इतना मजा आता है, फैमिली के साथ मजा आता है। हमारी पुरानी फैमिली ये और हमारी नई फैमिली, आप लोगों को, तो आप लोगों के साथ भी मजा आएगा, इनके साथ भी मजा आएगा। तो बन रहे ब्लॉग पे मिलते हैं, थोड़ी दिन तक रुकते हैं, कहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट, निकले 9:30 बजे घर से, देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। ओके ओके भाई, अन भाई करेंगे एंजॉय, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस अभी घर से निकलते ही हो गए शुरुआत, आ गई है छोटी सी दिक्कत और देखो हो गई हमारी गाड़ी पंचर। अब यहाँ पे पहले लगवाएंगे पंचर, उसके बाद चलेंगे आगे अपनी डेस्टिनेशन कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस फाइनली पंचर लगवा लिए, अब हमने अपनी जो जर्नी है ना दोबारा से शुरू कर दी और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और होप करेंगे कि दोबारा ऐसी ना कोई छोटी मोटी अड़चन ना आए तुम्हारी वजह से। चलते हैं आपको लेके हम ताजमहल। तो कदम रुक गए हैं रास्ते में ब्रेकफास्ट करने के लिए और अब हम खाने वाने हैं, कुछ लग गए थे हमें भूख। अप्रोक्सीमेटली कितने देर हो गए हमें? हम निकले थे 9:30। हाँ तो अब इससे भूख लग रही है ना, पेट में अप्रोक्सीमेटली 12 बज चुके हैं और 12 बजे ना 2-2.5 घंटे यमुना एक्सप्रेस वे पे आने के बाद रास्ते में कुछ भी नहीं मिला, सीधा एक ही जगह मिली जहाँ हम रुके। अब देखते हैं क्या खाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, चलते हैं करते हैं ब्रेकफास्ट, करते हैं एंजॉय। हाँ आपको लग रही भूख? मजा आ रहा रोड ट्रिप पे अभी तक? ये तो कह रहे हैं मम्मा कुछ भी खिला दो, कुछ भी खिला दो, चलते हैं देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ट्राई करते हैं कुछ नया। हमने कर दिया अपने लिए ऑर्डर छोले भटूरे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट पर आन भी करने वाला, हमने छोले भटूरे आन बस छोले भटूरे खाने, और भी कुछ खाना है क्या? पिज्जा, आन भाई का आ रहा है पिज्जा। छोले भटूरे सुबह सुबह खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत मजेदार और बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, बहुत टाइम बाद छोले भटूरे खा रही है, ये फिटनेस भी कोई थी। तो अब खाएंगे यहाँ पे, करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकल जाएंगे फिर अपने रास्ते पे आगे जाके दिखाएंगे आपको आगरा का ताजमहल। तो गाइस ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, फिर वापस निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पे और जा रहे हैं ताजमहल देखने का। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ताजमहल, मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी देखा था ताजमहल, तुमने देखा है? हाँ मैं अपने स्कूल ट्रिप के साथ गई थी। स्कूल ट्रिप आन, आपने कभी देखा ताजमहल? ताजमहल देखा कभी पहले? आन भी फर्स्ट टाइम देखा, मैं भी फर्स्ट टाइम देखा। चलते हैं अब लेते हैं हसीन सफर का दोबारा से आनंद। आगरा, और हमने अपनी गाड़ी लगा दी है आगरा फोर्ट के बाहर, क्योंकि आगरा के जो ताजमहल की पार्किंग है ना, वीकेंड होने की वजह से पूरे पार्किंग फुल है। तो हमने गाड़ी ले रेड फोर्ट, हम जा रहे हैं नई गाड़ी के अंदर, जो हमने अभी अभी नहीं लिया गाड़ी बुक कराई यहाँ पे, उसके अंदर जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पहले मीना बाजार देखेंगे, उसके बाद जाएंगे ताजमहल देखेंगे। हमारी नई गाड़ी देखिए आप, ये है हमारी नई सवारी। हाँ भाई मजा आ रहा है न्यू गाड़ी में? इसके दोस्त का नाम है बबलू। बबलू चल मेरे बबलू। तो गाइस अब हम पहुंच गए ताजमहल के अंदर, ये देखिए एक बारी भीड़ को देख के अंदाजा लगा लीजिए इस वीकेंड पे कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं अंदर जाने के लिए। अब हम पहले जाएंगे टिकट काउंटर पे, जाके कराएंगे टिकट बुक, फिर हम लगेंगे अगली लाइन में जाएंगे अंदर, ठीक है? बट तुम्हारी बीवी तो वैसे ही ऑनलाइन कमाने की है, तो हमने टिकट बुक ऑलरेडी करा ली। हाँ तो गाइस हमारी बीवी समझदार है, ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट बुक करा ली। अगर आप भी आ रहे हैं और अवॉइड करना चाहते हैं इस भीड़ को, तो टिकट ऑनलाइन ही बुक होती है, ऑनलाइन कराइए और यहाँ पे आइए सीधा डायरेक्ट अंदर। हमने ऑनलाइन टिकट बुक करा ली है, हम जा रहे सीधे अंदर, अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको ताजमहल का भी एक व्यू। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताजमहल के अंदर, आपको दिखा रहे हैं सामने इतनी प्यारा सा मॉन्यूमेंट है ना, ये बनाया गया प्यार से, इतने नजाकत से, तभी इतनी फुर्सत से बनाया। इसके चेहरे की, इसकी जो सुंदरता है वो भाई साहब फोन में ही, मैं मतलब फोन के अंदर आपको सुंदरता नहीं समझ आ रही, क्योंकि सामने से जो सुंदर लग रहा है, मतलब बिल्कुल ही अद्भुत नजारा है, मतलब मजा आ गया हमारा आना इतनी दूर ना,
बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत मजा आया। चलेंगे इसके आगे भी, आगे जाके बिल्कुल पास से देखते हैं ताजमहल सामने से कैसा देखने को लगता है। जो पीछे ताजमहल की ब्यूटी देख रहे हैं ना, मतलब इतनी सुंदर है ना यहाँ पे, जैसे इस पे धूप पड़ रही है ना वैसे वैसे और ज्यादा शाइन होता जा रहा है। कैसा इतना बढ़िया लग रहा है, मतलब ऐसी चीज मैंने फोटोज में देखी थी, वो सामने आके पता लग रहा है कि अल्टीमेट बढ़िया है। शाहजहाँ इतने कारीगरों के हाथ काट दे बिल्कुल गलत करा, ऐसी चीज ना दोबारा बनी नहीं सकती थी। तो गाइस अभी यहाँ से हम निकलेंगे, हमने घूम लिया ताजमहल, मुझे तो बहुत मजा आया। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे धूप जैसे ही पड़ती है ना ताजमहल पे, वो ताजमहल गया, मतलब वहां से हम जो एंट्री गेट था मतलब फोटो नहीं ले पा रहे थे, बिल्कुल वाइट, मतलब मैं ढूंढ रहा था सीरियसली, जब मैं फोटो खींचा मैं ढूंढ रहा था ताजमहल है कहाँ, मतलब बिल्कुल ही गायब से हो रहा था। बहुत मजा आएगा, अब लग रही है बहुत जोर से बुक करेंगे लंच, जाएंगे अपने रिजॉर्ट हमने बुक करा है, वो भी हमारा ऐसा 10-15 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा पहले म्यूजियम देखेंगे, फिर यहाँ से चलते हैं अपना देखते आराम से, वहाँ जाके होटल में करेंगे अपना रेस्ट। तो गाइस फाइनली पहुँच गए होटल, अब करेंगे रेस्ट आराम से। यहाँ पे देखिए आपको होटल दिखाते हैं, बड़े अपना छोटा सा लुक देता हूँ होटल का, ये देखिए गाइस, ये देखो। अब जाएंगे रूम में, करेंगे आराम थोड़ी देर, फिर उसके बाद करेंगे डिनर और सोएंगे आज आराम को, बहुत थकान हो गया पूरा दिन घूम घूम के। तो अब चलते हैं रूम में, करते हैं रेस्ट आराम और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर रूम के अंदर, आपको देते हैं छोटा सा रूम का लुक भी एक टूर भी। वो देखिए गाइस, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, ये अलग राजा महाराजा जैसे बना हुआ है ना। चल ये देखिए गाइस, टीवी है पूरा, फ्रिज पूल होगा वहाँ, ये देखिए गाइस, ये पूरी जो विंडोज है ना, जो विंडोज है अभी, और ये देखिए गाइस, ये है हमारा अपना पर्सनल स्विमिंग पूल भी यहाँ पे पीछे से रास्ता है। तो ये वॉशरूम है देखिए यहाँ पे, इतना मतलब बड़ा पूरी राजा महाराजा जैसे होना। और ये है हमारा अपना पर्सनल स्विमिंग पूल गाइस, जी देखिए ऊपर से ओपन, ये आ जाने वाले इसके अंदर, चल फटाफट। तो ये है हमारा रूम, अब करेंगे थोड़ी देर आराम से रेस्ट, बहुत ज्यादा थकान हो गया, और मिलेंगे आपसे डिनर के बाद। सो के उठ चुके और अब जा रहे हैं हम डिनर करने। ये हमारा होटल का रेस्टोरेंट है यहाँ पे देखिए, और वो हमारा होटल है क्या कह रहा भाई, हाँ वो यहाँ पे कैंप भी बना है भाई, तू भी अपना कैंप ले जाता मस्त बन जाता है यहाँ पे, रियली मैं यहाँ चल बात। देखो तुम एक चीज दिखाओ, यहाँ से लेफ्ट ले जरा, किचन की लुक देखते हैं, चार गाइस आपको किचन दिखाते हैं, ओपन किचन, ये किचन है हमारी, आपको दिखाते हैं वो, चलिए गाइस ये देखिए हमारी, ये है मतलब किचन के भी नज़ारे बाद, देखिए ये ओपन किचन है, ये हमारा रेस्टोरेंट है, और इधर से ये देखेंगे ना वो हमारे रूम्स हैं, मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है देखिए गाइस, मतलब अलग ही फन है यहाँ पे ठंड में ना, और अंचल मजा आ रहा नहीं आ रहा। हाँ और यहाँ पे कैंपिंग टेंट्स भी है वो, हाँ तू तो सोचा रात को, आज कैंपिंग टेंट में सोचा रात को, पहाड़ों की फील आ रही है और पूरा मजा आ रहा है, पूरा अच्छे से एंजॉय करके थक के जाएंगे। तो अब गाइस चलते हैं अंदर, करते हैं डिनर, लग रही है बहुत जोर से भूख, शाम से कुछ नहीं खाया मैंने, तुम्हें कब नहीं लगती है अब, मुझे लग रही है, हाँ जी वो धुआं भी निकल रहा है मुझसे भाई साहब, चलो 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 डिनर की भूख लग रही है। रात को हमारी अनवांटेड सी गेस्ट ये देखिए, ओए होए होए, हाँ जी ये देखिए गाइस, डिनर अब हो गया, हमने कर लिया अपना डिनर, आंचल ने कर लिया। आंचल कैसा लगा आगरा टूर आज, मजा आया ताजमहल देखे, मेरे से प्यार डबल हुआ नहीं हुआ, सच्ची बता रहा, तुम्हारा हुआ नहीं हुआ, मेरा तो चार गुना बढ़ गया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ताजमहल बनवाऊंगा, ओहो सपनों में नहीं, मगर वो कारीगर का हाथ काट देना वरना मैं बनवा देता पक्का, है ना। तुझे अच्छा लगा ताजमहल आज, करा बहुत एंजॉय, कल हम जाने लगे बहुत सुंदर जगह, बहुत बड़ी जगह पे, आपको दिखाएंगे वो भी अपने आने वाले ब्लॉग पे, तो आज हमारे चैनल में बने रहेगा, आप मेरे चैनल में नए हैं चाहिए उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों से कमेंट करके बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। टिल देन बाय, गुड नाइट, शब खैर, राधे राधे। Number of third wave in the sunshine in the evening, little of the green color combination, but जो main भी होता है वह है moon light का होता है, तो हम आपको दो तरह का view दिखाएंगे, half moon and full moon. Half moon we can get 8:30 to 11:30, everybody can see the Taj Mahal, but you can see over there 500 meter is low, so you can't see much more detail like this type. Midnight we can be 1 to 2 o'clock, when you see full moon come on the proper one angles, just like in a dark shape. So by the way, it's not for sale, it is a IHSC department property, and ये miniature हम लोग national और international level पे जहाँ पे handicraft का exhibition लगता है वहाँ इसको provide करते हैं, no any part damage